अब हम लेंगे आई इज इक्वल टू फोर। अब जो हमारे पास फंक्शन है के का, तो हमने पहले ही फिक्स किया हुआ है थ्री। अब हम आई को वैल्यूज देते जा रहे हैं, जीरो से हमने स्टार्ट किया था, थ्री तक हमने कर लिया था, अब हम आई को फोर लेंगे। अब जहां जहां पे आई है इस फंक्शन में, उसको हम रिप्लेस कर देंगे फोर के साथ। अब जहां टी आई होगा वहां टी फोर बन जाएगा, जहां टी आई प्लस वन होगा वहां पे टी फाइव बन जाएगा, जहां टी आई प्लस टू होगा वहां पे टी सिक्स बन जाएगा, जहां टी आई प्लस थ्री होगा वहां पे टी सेवन बन जाएगा। अब हम वैल्यूज लिखेंगे नॉट सीक्वेंस से टी फोर, टी फाइव, टी सिक्स एंड टी सेवन की। नॉट सीक्वेंस में टी फोर की वैल्यू टू है, टी फाइव की वैल्यू थ्री है, फोर है और टी सेवन की वैल्यू भी फोर है। तो अब हमारे पास फंक्शन की जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी टी माइनस टू ओवर फोर माइनस टू टू है, इसी तरह फोर माइनस टी और फोर माइनस थ्री ये वन है। वैल्यूज अब हमने लिखनी है एन फोर कॉमा टी फाइव कॉमा टी ऑफ टी की। एन फोर कॉमा टू टी की वैल्यूज हमारे पास हैं तीन। पहली इसकी वैल्यू है टी माइनस टू इंटरवल टू थ्री पे, दूसरी इसकी वैल्यू है फोर माइनस टी इंटरवल थ्री फोर पे, और तीसरी इसकी वैल्यू है जीरो इनफिनिटी। इसी तरह एन फाइव टू की वैल्यूज भी हमारे पास दो हैं। एक वैल्यू इसकी है टी माइनस थ्री इंटरवल थ्री फोर पे, एक इसकी वैल्यू है जीरो। तो अब हम सिंपलीफाई करेंगे, ब्रैकेट्स के बाहर जो चीजें हैं उनको हम ब्रैकेट्स के अंदर वाली क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इंटरवल्स के हिसाब से फिर हम उनको ऐड करेंगे। पहला इंटरवल हमारे पास टू थ्री है, जो फर्स्ट पार्ट में है सेकंड में नहीं है। तो इस फंक्शन की वैल्यू जो है टू थ्री इंटरवल पे जो आएगी वो आएगी टी माइनस टू इंटू टी माइनस टू। ये सेम चीज है तो मल्टीप्लाई होके होल स्क्वायर हो जाएगा, ओवर टू आएगा। सेकंड वाला पार्ट जो है उसमें इंटरवल टू थ्री नहीं है, इसलिए वहां से वैल्यू इसकी जीरो आएगी, जो इसमें ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थ्री फोर जो है ये इंटरवल दोनों पार्ट्स में है, फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है। तो थ्री फोर में हम क्या करेंगे, इस इंटरवल में हम फर्स्ट में से भी वैल्यू लेंगे और सेकंड में से भी लेंगे। माइनस टू इंटू फोर माइनस टी, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड में हमारे पास बनेगी फोर माइनस टी इंटू टी माइनस थ्री। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनको ऐड कर देंगे और अगला जो इंटरवल है थ्री फोर के बाद वो सिर्फ अदरवाइज है। अदरवाइज में दोनों का आंसर जीरो है, जब हम दोनों में से जीरोस को ऐड करेंगे तो उसका आंसर जीरो आएगा। इसमें तीन वैल्यूज आ रही हैं, फर्स्ट एंड थर्ड में सिंपलीफिकेशन की जरूरत नहीं है। सेकंड वाला पार्ट जो है जिसमें इंटरवल थ्री फोर है, इसमें दो फ्रैक्शंस हैं जिनकी एडिशन है, उसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद उनको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन एन फोर थ्री टी आ गया वो तीन हिस्सों में आया। एक उसकी वैल्यू टू थ्री इंटरवल पे आई है, एक उसकी वैल्यू थ्री फोर इंटरवल पे आई है, और एक उसकी वैल्यू जीरो जो है अदरवाइज पे आई है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आई इज इक्वल टू फाइव है। इसी तरतीब के साथ हम, जैसे हमने फर्स्ट किया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, आई को रिप्लेस करते हैं उस वैल्यू के साथ जो हम टेस्ट ले रहे होते हैं, इसमें हम आई को रिप्लेस करेंगे फाइव के साथ। अब जहां जहां आई होगा जब हम वहां पे फाइव लिखेंगे तो जो टर्म टी आई है वो टी फाइव बन जाएगी, इसी तरह आई प्लस वन में टी सिक्स बनेगी, आई प्लस टू में टी सेवन बनेगा, आई प्लस थ्री में टी एट बनेगा। अब हम नॉट सीक्वेंस में से टी फाइव, टी सिक्स, टी सेवन एंड टी एट की वैल्यूज लेके हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारे पास बनेगा टी माइनस थ्री ओवर फोर माइनस थ्री विच इज वन एन फाइव कॉमा टू ऑफ टी प्लस फाइव माइनस टी ओवर फोर माइनस फाइव एन सिक्स टू टी।
अब टी माइनस थ्री ओवर वन वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसी तरह फाइव माइनस टी ओवर फाइव माइनस वन वहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे हमने जो वैल्यूज लिखनी है वो एन फाइव टू टी की और एन सिक्स टू टी की। एन फाइव टू टी इसकी वैल्यूज हमारे पास दो है, एक टी माइनस टू इंटरवल थ्री फोर पे, एक जीरो अदरवाइज पे। इसी तरह एक वैल्यू हमारे पास नेक्स्ट में एन सिक्स टू टी की आएगी फोर फाइव इंटरवल पे फाइव माइनस टी, और एक इसकी वैल्यू आएगी जीरो अदरवाइज पे। अब ये फंक्शन जो है इसमें इंटरवल पहले में थ्री फोर है, दूसरे में फोर फाइव है, दोनों में कॉमन इंटरवल, तो इसमें तीन हिस्से बनेंगे, एक इंटरवल थ्री फोर पे, एक फोर फाइव पे, और दोनों में अदरवाइज है, उन दोनों का एक पार्ट बनेगा। अब ये सिंपल है पहले की तरह पहले से, तो थ्री फोर पे जो इसका आंसर आएगा वो टी माइनस थ्री टी माइनस, इसमें सर फिर कोई लग रही थोड़ी बहुत ही गड़बड़ जी जी, इसमें क्या टी माइनस, इसमें जो एन फाइव टू टी की वैल्यू है ना, ये टी माइनस टू लिखा हुआ है, मे बी इसकी वैल्यू टी माइनस थ्री हो, इसकी वैल्यू हमने निकाली होगी ना पीछे, हाँ माइनस थ्री है ठीक है, यहाँ पे नीचे स्क्वायर किया हुआ है ना, हाँ जी टी माइनस थ्री जी जी, इसको टी माइनस थ्री, टी माइनस थ्री ठीक है सर, इसको हम कर देते हैं जी टी माइनस थ्री, टी माइनस थ्री इसको हम ओके कर देते हैं। यस सर, ये सेट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट आप कंटिन्यू करें आई सिक्स के लिए ना। ओके सर, ये अब हम नेक्स्ट केस लेंगे, हमने कर दिया चेंज ना, हो गया नहीं ऊपर हुआ सर, हाँ बस यहाँ पे थी वो ऑटोमेटिकली चेंज कन्वर्ट हो जाएगी ना थोड़ी देर में। ओके सर, कमांड मैंने दे दी है ठीक है सर, वो हो गया, अब देखें हो गया सर, हो गया ठीक है ना, वो थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है एक्सक्यूटिंग टाइम ना जी सर। अब नेक्स्ट हमारा केस है आई इक्वल टू सिक्स, अब हम क्या करेंगे कि आई को रिप्लेस कर देंगे सिक्स के साथ, तो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन बनेगा एन सिक्स थ्री ऑफ टी, इसमें हम टी सिक्स टी सेवन टी एट एंड टी नाइन इनकी वैल्यूज हम लेंगे अपनी नॉट सीक्वेंस से, और हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा टी माइनस फोर फाइव माइनस फोर एन सिक्स टू टी प्लस फाइव माइनस टी ओवर फाइव माइनस फोर एन सेवन टू टी। अब इसमें हमने पिछली जो हमने वैल्यूज निकाली हैं वहां से एन सिक्स टू टी और एन सेवन टू टी इनकी वैल्यूज लिखेंगे, इंटरवल हमारे पास बनेंगे फोर फाइव, और वैल्यूज इनकी आएंगी फाइव माइनस टी इंटरवल फोर फाइव पे, और जीरो वैल्यू आएगी अदरवाइज पे। इस तरह सेवन टू टी की जो वैल्यूज हैं वो फोर फाइव पे बनेगा टी माइनस फोर और अदरवाइज पे बनेगा जीरो। इस फंक्शन में भी कोई इंटरवल कॉमन नहीं है, तो फोर फाइव पे जो इसकी वैल्यूज आएगी, सॉरी इसमें कॉमन है, दोनों इंटरवल सेम है, तो दोनों में हम ऐड करेंगे, फर्स्ट में बनेगा टी माइनस फोर फाइव माइनस टी और सेकंड में बनेगा फाइव माइनस टी टी माइनस फोर, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन के बाद इनको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस टू टी स्क्वायर प्लस एटीन टी माइनस फोर्टी इंटरवल फोर फाइव पे। और अब हम केस लेंगे आई इज इक्वल टू सेवन का, सेवन पे जो हमारा केस बनेगा एन सेवन थ्री टी, इसमें अब टी सेवन टी एट टी नाइन और टी टेन की वैल्यूज हम लिखेंगे। जब हम ये वैल्यूज लिखेंगे तो हमारे पास बचेगा टी माइनस फोर ओवर फाइव माइनस फोर विच इज इक्वल टू वन एन सेवन टू टी, इसकी दो वैल्यूज हैं फोर फाइव इंटरवल पे टी माइनस फोर है, अदरवाइज पे इसकी वैल्यू जीरो है। और एन एट टू
इसकी वैल्यू आ रही है जीरो, तो ये तो हो जाएगा जीरो। अब ब्रैकेट से बाहर भी टी माइनस फोर है और ब्रैकेट के अंदर भी टी माइनस फोर है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट टी माइनस फोर होल स्क्वायर इफ टी बिलोंग्स टू फोर फाइव अदरवाइज जीरो। तो ये हमारा अब आगे सिमिलरली तो दोनों नेक्स्ट जो है उनकी वैल्यूज आ जाएगी जीरो। ठीक है, ये हमारा लेक्चर आज का यहाँ पे हम एंड कर लेते हैं। तो सर, इन बच्चों के जो आप अटेंडेंस है वो मुझे आप सेंड कर देंगे, ताकि इस वक्त तो हमारे पास 23 आ रहे हैं। यस सर। तो इनमें जो अब सर 28 थे टोटल, अभी कोई कम हुए हैं बच्चे, जो मिसिंग है उनके मुझे वो भेज देंगे ना। 28 के बाद 36 बच्चे जो अब्सेंट है ना। जी सर। ठीक है सर, तो उनकी आप मुझे भेजेंगे। थैंक यू सो मच, यहाँ पे हम अपना सेशन एंड करते हैं। थैंक यू अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। जी कुछ आप लोग कहना चाह रहे थे? जी सर, सर ये पिछले वीक हम लोग का टेस्ट था, साथ थोड़ी बहुत क्लास ली थी साथ साथ, सर काइंडली उसकी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।